तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को शेयर करना जिनसे और लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंच पाए। और बात कर लेते हैं मनीषा रानी की। फैंस के लिए काफी कुछ कहा और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही, जिसके तहत इंटरव्यू के अंदर ये भी पता लगा कि मनीषा रानी को जो 99% लोग प्यार करते हैं वो उन्हीं पे फोकस रखती है, उन्हीं की बातें देखती है और उन्हीं पे थोड़ा सा उनको प्यार ज्यादा है, और ना कि जो 1% लोग हैं हेट फैलाते हैं उनको वो बिल्कुल भी नहीं देखती है। इन्होंने ये भी कहा कि बस आप अगर आप आए हो तो आपको चाहने वाले हैं, तो उसमें हो सकता है कि 2-3% ऐसे भी हो जो आपको पसंद ना करते हो, तो उनकी नापसंद की तरफ मैं ध्यान नहीं देती, मैं अपने फैंस जो मुझे प्यार करते हैं उनके लिए अपना कॉन्टेंट ऐसे ही बनाती रहूंगी। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं बदलने वाली नहीं हूं, मैं ऐसी हूं और यही कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा और इससे बेटर करने की हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहती। और ये भी कहा उन्होंने कि जो लोग लगातार इधर से उधर उधर से इधर बातें घुमाने की कोशिश में लगे हुए उनसे थोड़ा सा बचें, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। और ये पॉजिटिव शब्द है ना बहुत फेमस हो गया है, ये हमें अभिषेक द्वारा भी सुनाई देता है, मनीषा रानी के इंटरव्यू वहाँ पे भी सुनाई देता है और हर एक जगह सुनाई देता है। और उन्होंने फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बात भी कह दी कि जब मेरे लिए कुछ जगह से इधर उधर से कुछ अनाप शनाप चीज़ें कही जाती है तो मेरे फैंस पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मनीषा रानी को ऐसे मत बोलो, मनीषा रानी के लिए ऐसे मत कहो, तो मेरे फैंस हमेशा मेरे लिए खड़े हुए हैं, मेरे साथ देते हैं और ये जो जर्नी इतनी बड़ी रही है ये सपना था और ये सपना फैंस के कारण ही पूरा हो रहा है, जो सपने देखे थे कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने और मेरा नाम हर एक ही जुमा पे हो, तो वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और ये सब कुछ फैंस ने प्यार दिया है, बिग बॉस ने बहुत प्यार दिया, तो बिग बॉस का तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमेशा शुक्र अदा हम करते रहेंगे, क्योंकि जितना बिग बॉस ने दिया, अगर बिग बॉस नहीं होते तो शायद नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस से तो मिला, लेकिन एक जनता है जो आपकी पहले से भी आपके साथ थी। तो ये चीज़ें तो रही हैं और फैंस के लिए कहा कि हाँ अगर कुछ दिखता है तो हमारे फैंस बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये प्यार उन्होंने कमाया है और ये प्यार ही बहुत कुछ आगे तक लेके जाएंगे वो आपके साथ, लेकिन कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी भी पूछने की कोशिश की, उन्होंने भी बहुत ही शालीनता से जवाब दिया और इंटरव्यू की अब महारत हासिल होगी, ऐसा लग रहा है क्लासेस ली हैं जैसे, और उसी हिसाब से उन्होंने हर एक चीज़ को जो कंट्रोवर्सी बन सकती थी उनका बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि अभिषेक ने जो प्रॉमिस किया था, जो घर के अंदर प्रॉमिस किया वो उन्होंने पूरा किया। एल्विश से वो इसलिए नहीं मिल पा रही है कि थोड़ा कभी वो बिजी होते हैं तो कभी मैं बिजी होती हूँ, जब भी हम फ्री होंगे और अभी हमें काम मिल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे पास इतना काम ना हो, तो मैं ये तो नहीं है कि आज बहुत काम है तो आज शायद हम बिजी है, तो आज हमें काम पर फोकस करना चाहिए, जब हम फ्री होंगे, जब हमारे पास थोड़ा टाइम होगा तो हम बिल्कुल खुद जाके मिलेंगे एल्विश से, फुकरा इंसान से, अभिषेक से और सभी लोगों से। तो बहुत सी चीज़ें कह दी और फैंस के लिए तो भैया आज लॉटरी निकल गई है, जिस हिसाब से फैंस की तारीफों के पुल बांध दिए हैं मनीषा रानी ने। और मेरे को वो एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पे भी हो मेरे फैंस मेरे लिए खड़े रहते हैं और मेरे लिए डटे रहते हैं। क्या ये हमारी लाइफ की बात थी या किसकी थी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर और लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर भी करना, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज। अगर कमेंट में लगा कि हमें अभी लाइव आना चाहिए तो प्लीज़ लिखिए, देखते हैं कि लाइव आए या नहीं आए। बाय।